कॉन्वेक्स लेंस ओके यहां पे हम यूज करेंगे कौन सा कॉन्वेक्स लेंस ओके और ये हो गई लेंस की एक्सेस ओके okay, और यहां पे हो गया बच्चों अपना ये विंडो पेन ओके और यहां पे देखो इसे क्या मिल रहा है इसे जो डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है フォーメテッド डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस ओके तो यहाँ पे इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो 15 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रहा है ओके okay, तो लेट्स सी कि यहाँ कहीं इसे 15 सेंटीमीटर पे ये इमेज फॉर्म हो रहा है ओके okay, अब यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि अपना जो लेंस फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 1 f होता है 1 v 1 u के इक्वल ओके okay, तो यहाँ से देखो वन अपोन बी इज टू बच्चों कितना आ जाता है ये आ जाता है वन अपोन एफ और प्लस वन अपोन यू के इक्वल ओके तो यहाँ से देखो बी जो है अब यहाँ पे बी क्या होता है बी होता है यहाँ पे अपना लेंस से इमेज तक डिस्टेंस ओके okay, लेंस से इमेज तक डिस्टेंस और यू क्या होता है यू होता है बच्चों अपना लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ओके तो लेट्स सी कि यहाँ पे देखो होगा क्या यहाँ पे लेट्स सपोज अब वो बोल रही है कि सी नाउ ट्राई टू फोकस द बिल्डिंग विजिबल टू हर आउटसाइड विंडो इंस्टीड द विंडो पेन विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस इन विच डायरेक्शन से मूव द स्क्रीन ओके अब लेट सपोज कि यहाँ पे ये यह बिल्डिंग है अपना ओके okay, तो यहाँ पे इस बिल्डिंग का इमेज उसको देखना है तो अब हमें पता है कि लेंस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है अपना U होता है। और U तो, ले तो बच्चों तो बच्चो क्या होगा अगर मैं इस डिस्टेंस डी को बढ़ाता हूँ तो ये वैल्यू कम होगी ओके तो ये वैल्यू कम होगी तो यहाँ पे वन अपन बी अब ये पॉजिटिव है ओके तो ये वैल्यू भी क्या होगी वन अपॉन बी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारी इंक्रीज होगी ओके okay, और बी की वैल्यू यहां पे अपनी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी ओके okay, तो यहां पे देखो जैसे जैसे हमें सार्प इमेज चाहिए ओके okay, तो सार्प इमेज करने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा वी को डिक्रीज करना पड़ेगा ओके okay, तो क्या होना चाहिए कि स्क्रीन को सुधा को कहाँ मूव करना चाहिए टूवर्स दी लेंस ओके okay, तो स्क्रीन सिफ्ट टू वर्स लेंस

कि पहले लेज यहाँ पे लेंस पे क्या होंगी लेंस पे आएंगी और लेंस से रिफ्रेक्शन होने के बाद ये किसी एक पॉइंट पे फोकस करेंगी ओके और वो क्या हो जाएगा लेंस की ही अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ हो जाएगी यहाँ से ओके तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ क्या होगा यहाँ पे कहीं पे ये मीट करेंगी ओके और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 15 सेंटीमीटर ही ओके okay, तो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं कि इसका जो अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ होगा इस लेंस का वो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर ओके मेटली फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ ऑफ द लेंस